हेलो फ्रेंड्स, जो हम BHU के जो प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर हुआ था उसका जो सोल्यूशन कर रहे थे 2017 का, उसमें हमने 70 प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो इस वीडियो, ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 4 हम 71 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा हो, ये हमारे स्क्रीन पर रहा 71 प्रॉब्लम। 71 प्रॉब्लम है HN-1X + HN+1X=, वेयर जहाँ टर्म्स कुछ है देयर यूजुअल मीनिंग। जो H है ये हमारा हर्मिशियन फंक्शन है। हर्मिशियन फंक्शन HN-1X + HN+1X=, वेयर टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो जो हर्मिशियन फंक्शन का जो हर्मिशियन फंक्शन जो होता है वो होता है HN(x)=-1^(n)e^(x^2)-dx^(n)/dx^(n)e^(-x^2)। ऊपर वाले में एक बार हम एच की एन की जगह पर n-1 रखेंगे, एक बार एन की जगह पर n+1 रखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2n/(x)HN(x)। इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन है। 72 प्रॉब्लम। 72 क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट कॉन्जुगेट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी। ए बी का ट्रांसपोर्ट इक्वल्स, दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है। इसका जो ट्रांसपोज होगा तो ए में बी का जो ट्रांसपोज होगा वो होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 73 प्रॉब्लम इज द प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स विथ इट्स एडजॉइंट गिव्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। तो इसका सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए माडी की वैल्यू 0 होगी, इसका ट्रांसपोर्ट निकालेंगे भी तो भी 0 आएगा, तो नल वेक्टर, तो हमारा एक नल वेक्टर होगा। 74 क्वेश्चन इज द जनरलाइज्ड मोमेंटा इज डिफाइंड बाय। जो मोमेंटा को हम डिफाइन करते हैं वो होता है हमारा PI=∆L/∆Q I। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये फार्मूला ही ये वाला है। तो मोमेंटा को डिफाइन करने के लिए ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। 74 क्वेश्चन इज इफ ∆x इज डेल्टा फंक्शन। अगर ये ∆x हमारा डेल्टा फंक्शन है तो x∆x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इन्फिनिटी नहीं होती, x भी नहीं होता, ∆x भी नहीं होता, 0 होती है। अगर ∆x हमारा डेल्टा फंक्शन है तो जो x∆x होगी उसकी वैल्यू हमेशा। तो 75 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 76 क्वेश्चन इज 1 mC इज इक्वल टू। आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 क्यूरी कितने के बराबर होता है, नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 क्यूरी 1 क्यूरी में 3.7×10^10 DSS होता है, DSS। तो 1 mC में 3.7×10^7 होगा, 10^7 mC। तो यहाँ ऑप्शन हमारा फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। इसको हमें याद रखिए कि वो 1 क्यूरी में 3.7×10^10 DSS होता है। तो मिली पूछा हमसे तो यहाँ 10^7 हो जाएगा, हम 1000 का डिवाइड करेंगे। तो 76 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
77 क्वेश्चन इज न्यूक्ली विथ इवन मास नंबर है, उसका मास नंबर या द्रव्यमान संख्या इवन है, सम संख्या आती है, तो वो जीरो होगा अथवा इंटीग्रल स्पिन होता है उसका। कॉन्सेप्ट ये डायरेक्ट पूछा है। 77 का फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। मास नंबर इवन होगा तो जीरो अथवा इंटीग्रल स्पिन होगा। 78 प्रॉब्लम इज इन मोजलीला रूट न्यू बराबर ए जेड माइनस बी द स्क्रीनिंग कांस्टेंट बी फॉर के सीरीज के लिए जो इसका वैल्यू होती है वो 7.4 होता है, 7.4 होता है। 79 क्वेश्चन इज फॉर क्रिस्टल्स हैविंग टू एटम्स पर प्रिमिटिव सेल स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर बराबर सी बाई टू अपॉन m1 प्लस m2 के स्क्वायर ए स्क्वायर करिस्पॉन्डिंग टू। तो एकॉस्टिकल ब्रांच होता है, ऑप्टिकल ब्रांच नहीं होता, एकॉस्टिकल ब्रांच होता है। एकॉस्टिकल 79 का ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 द वेव वेक्टर एसोसिएट विद फ्री इलेक्ट्रॉन, द वेव वेक्टर एसोसिएट विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट फर्मी सरफेस हैज मैग्नीट्यूड्स, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2mEF अपॉन h क्रॉस स्क्वायर की पावर 1/2 होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 81 द टोटल फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक करंट इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ए पीएन जंक्शन इज गिवन बाय, आप ये फार्मूला हमेशा याद रखिए, जो फॉरवर्ड हमारा फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक करंट होता है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के लिए, तो फॉरवर्ड करंट होता है हमारा आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर ई वी अपन के टी माइनस वन। फर्स्ट ऑप्शन सही है, 81 का फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 82 कॉम्प्टन वेवलेंथ एच अपन एम नॉट सी इक्वल्स, कॉम्प्टन वेवलेंथ एच अपन एम नॉट ई, तो यहाँ हम जो कॉम्प्टन वेवलेंथ है उसके लैम्डा बराबर एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 6.6 × 10⁻³ अपॉन एम नॉट, इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका रखेंगे हम 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो जब इसको सब तीनों की वैल्यू रख कर जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.024 इंगस्ट्रॉन। मैंने इसको सॉल्व किया है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 इज अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स पोटेंशियल एक्सपीरियंस बाई इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल इज, इसका आंसर होगा जीरो पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 84 इज एनर्जी इक्विवेलेंट टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास है ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो तब एनर्जी इक्विवेलेंट होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर, 84 का ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 85 इज ए पार्टिकल इज मूविंग विद 90% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेशियो ऑफ इट्स रिलेटिविस्टिक मास विद द रेस्ट मास इज, ए पार्टिकल मूविंग विद 90% है ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो 95% है सी के, 95% तो भी वेलोसिटी आ गई। अब हमारा होता है मास एम इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमको यम अपान यम नॉट की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके आप देख लीजिए, मैंने सॉल्व किया था तो इसका आंसर आपको मिलेगा 2.29, 85 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 इन ए सोलेनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड अधिकतम कहाँ होती है या मैक्सिमम कहाँ होती है, इट्स सेंटर सोलेनाइड के सेंटर पर जो है मैग्नेटिक फील्ड सबसे अधिक होती है, इसका आंसर सेंटर होगा 86 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 टू इंटरफेरिंग कोहेरेंट वेव हैव एम्पलीट्यूड इन द रेशियो 2:1 द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, इसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा
वो होती है ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर कोष्टक में ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। जब यहाँ ए वन की वैल्यू टू और ए टू की वैल्यू वन रख के सॉल्व करेंगे हम तो टू ए वन थ्री स्क्वायर तीन तरीके नाइन और टू माइनस वन तो वन नाइन रेशियो वन। इसका आंसर फर्स्ट इन फ्रेशनल बाई प्रिज्म कोहेरेंट सोर्स आर फॉर्मेड ड्यू टू प्रॉब्लम नंबर 88 इन फ्रेशनल बाई प्रिज्म कोहेरेंट सोर्स आर फॉर्मेड ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। तो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट इसका आंसर सही होगा तो इसका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। फ्रेशनल बाई प्रिज्म में जो कोहेरेंट सोर्स होता है वो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट होता है वेवफ्रंट पर बनता है। प्रॉब्लम नंबर 89 इन कलर फोटोग्राफी जो फोटोग्राफी पे जो कलर होती है वो होती है हमारा द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज यूज किया जाता है। तो 89 का ऑप्शन सेकंड। प्रॉब्लम नंबर 90 इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग न्यूटन्स रिंग की केस में जो सेंट्रल रिंग है विल बी डार्क इन डार्क कहाँ पे होता है डार्क इन डार्क डार्क इन तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम ऑफ लाइट इसका करेक्ट आंसर होगा 90 का फर्स्ट ऑप्शन। इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग न्यूटन्स केस के रिंग न्यूटन रिंग के केस में जो सेंट्रल रिंग होती है विल बी डार्क इन कहाँ पर डार्क होती है वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम ऑफ लाइट पर। तो 90 प्रॉब्लम हो चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 91 डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सहिबिटेड बाई लाइट विथ एन ऑब्स्टेकल हैविंग डायमेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो 91 का जो आंसर होगा वो 10^-5 सेंटीमीटर होगा। 91 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 एट पोलराइजिंग एंगल्स रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर एट 90 डिग्री पे होती हैं। तो 92 का ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93 द थ्विनिक इक्विवेलेंट वोल्टेज फॉर द नेटवर्क सो इज जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 16 वोल्ट ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 ए सर्टेन जी एफ ई टी हैज जीजम की वैल्यू 4 मिली सेकेंड विथ एन ए सी ड्रेन रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 किलो ओम द आइडियल वोल्टेज गेन इज जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन थर्ड आएगा आंसर 6 आएगा 94 का ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 95 और इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ एसोसिएट विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थर्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट इज जो हमारा वेवलेंथ होता है वो होती है लेमडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2mqv। यहाँ एच की वैल्यू हम प्लैंक कांस्टेंट 6.6×10^-34 रखेंगे बट्टे अंडर रूट 2m मास का जो मास है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1×10^-31 क्यों ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6×10^-19 और वी क्वेश्चन में गिवन है 100 वोल्ट। ये सब सारी वैल्यू रख कर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.2 एंगस्ट्रॉम। आप ये सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले में पुट करना है तो आंसर 1.2 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके एक ना दो प्रॉब्लम तो आ ही जाते हैं हर साल आते हैं तो ये फार्मूला रिमेंबर रखिए ये फार्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसको याद रखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हम दूसरी वीडियो में अपलोड करेंगे। 120 प्रॉब्लम था तो कम से कम 4-5 वीडियो तो बन ही जाएंगे 120 प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यहाँ 95 हो चुका है और बाकी के जो बचे क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर करें। मेरा टारगेट है इस वीडियो में कम से कम 20 लाइक मिलने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।